नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं गुरलीन कौर आपके सामने एक हिंदी का न्यू चैप्टर लाई हूँ, जिस चैप्टर का नाम है मुर्गा और लोमड़ी। चलो अब ये लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। एक बार एक चालाक लोमड़ी किसी गांव के पास से जा रही थी। अचानक उसकी नजर एक मोटे ताजे मुर्गे पर पड़ी। वह मन ही मन बहुत खुश हुई कि आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला। मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी कि एक गांव था जिससे एक चालाक लोमड़ी जा रही थी। उसने एक पेड़ देखा जिस पर एक मुर्गा बैठा था। फिर लोमड़ी ने मन में सोचा कि आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। फिर आगे लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? फिर तुम तो बिल्कुल भी आलसी नहीं हो, तुम्हें तो जमीन पर भागना दौड़ना रहना चाहिए। आओ नीचे उतरो। आओ अब इसका मीनिंग, लोमड़ी ने मुर्गे के साथ क्या कहा कि तुम डाल पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बोलकर भी तुम आलसी नहीं हो, तुम्हें तो जमीन पर भागना दौड़ना रहना चाहिए, आओ नीचे उतरो। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट, मुर्गा बोला, बहन मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। लोमड़ी बोली, अरे क्या बात कर रहे हो, तुमने आज का सबसे ताजा समाचार नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गई है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। फिर आगे क्या है, मुर्गे ने बोलकर अपनी गर्दन ऊपर की जैसे कि कोई दूर की चीज देख रहा था। इसका क्या मीनिंग है, जैसे हमारी कोई चीज दिख जाती है तो हम ऊपर देखते हैं हमारी चीज किधर देखी है, वैसे ही मुर्गे ने बोलकर अपनी गर्दन ऊपर की जैसे कि कोई दूर की चीज देख रहा था। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, तुम क्या देख रहे हो? मुर्गा बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, पता नहीं कोई भयानक शिकारी कुत्ते तेजी से इस दौड़ चल आ रहे हैं। फिर वो बोलता है, कुछ नहीं पता नहीं कोई भयानक कुत्ते तेजी से इस दौड़ आ रहे हैं। इसका ये मीनिंग है। आगे फिर क्या होता था, लोमड़ी बोली, क्षमा करना मित्र, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे घर पर बहुत सारा काम है। उसने क्यों बोला ये, उसने झूठ बोला था क्योंकि उसको कुत्तों का बड़ा डर था। आगे फिर, अरे तुम घबरा क्यों गई हो, तुमने आज का समाचार नहीं सुना? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गई है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। फिर लोमड़ी बोलती, मुर्गा बोलना, लेकिन लगता है कि अभी ये वाला समाचार कुत्तों ने नहीं सुना होगा, कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। इसलिए मुर्गे ने सूझबूझ से लोमड़ी से अपनी रक्षा की। अब मैं आपको इसकी शिक्षा बताऊंगी कि अगर आपको कोई आपके साथ चालाकी बनने की कोशिश करते हैं, वो आप उनकी बातों में मत आया करें, सावधान रहना चाहिए। जैसे हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी शिक्षा मिली थी, और इसमें भी आपको कोई पढ़ने की शिक्षा मिली है। इसलिए बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो अब बाय बाय, इस वीडियो को मैं आपको और भी भेजूंगी, तब तक ये वाला चैप्टर आप अच्छे से रीड करें। बाय बाय।